गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, राम राम सभी को। पीपी डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पद यूपी सरकार ने अभी ऑनलाइन किए हैं और उसी को देखते हुए ये मैथ की क्लास जो आपके लिए शुरू की गई है और इसमें हम पढ़ रहे हैं टॉपिक टाइम एंड वर्क और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे की हार्दिक संभावना है। और ये आज की जो क्लास होगी वो क्लास फोर्थ होगी भैया, क्लास फोर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, सार्थक 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है जबकि विमान को इसी गड्ढे को भरने में 35 दिन लगते हैं एवं अली 12 दिनों में इस रेत के गड्ढे को खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो गड्ढा कितने दिनों में भरा जाएगा? तो देखिए, सार्थक 14 दिन में कर सकता है भैया, उसको गड्ढे को 14 दिन में भर सकता है जबकि विमान 35 दिन, विमान 35 दिन में। तीसरा व्यक्ति है अली, जो कि उसे 12 दिनों में रेत के गड्ढे को खाली कर देता है। तो देखिए, ये पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं और जबकि जो अली है वो 12 दिन में उस भरे हुए गड्ढे को खाली करने का काम करता है, तो इनकी अकॉर्डिंग ये जो है नेगेटिव कार्य कर रहा है, इसलिए इसके आगे हम माइनस चिन्ह यूज करेंगे। ओके, तो देखिए, हमें सबसे पहले देखना है कि इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है गड्ढे भरने का, तो देखना हमें गड्ढा भरने में कितने तसला मिट्टी लगेगी, तो यानी कुल कार निकालना है। तो कुल कार क्या हो जाएगा बच्चों, इन तीनों नंबर का एलसीएम जो कि 420 हुआ, यानी कि 420 तसला मिट्टी से गड्ढा को भरा जा सकता है। तो वहीं सार्थक के बारे में पता करेंगे कि वो जो है एक दिन में कितने तसला मिट्टी उसमें भर सकता है, तो 14 से डिवाइड कर दीजिए आप 420 में, तो ये आया 30। वहीं विमान की बात करेंगे तो विमान जो है 12 तसला मिट्टी एक दिन में भर सकता है जबकि अली एक दिन में 35 तसला मिट्टी उसमें से निकाल सकता है, यानी कि ये नेगेटिव कार्य कर रहा है और ये दोनों पॉजिटिव कार्य कर रहा है। तो तीनों को एक साथ काम करने में कितना कार्य जो निकल के आएगा, तो आप तीनों के कार्य को जो है ऐड कर लीजिए। देखिए, सार्थक को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, विवान को वी से और अली को ए से, तो आप तीनों के कार्य को जोड़ लीजिए। तो देखिए, ये 30 प्लस के 12 और माइनस के 35, यानी इसका कार्य जो है नेगेटिव है, इसलिए यहां माइनस चिन्ह का यूज हुआ है। तो देखिए, ये कितना आया भैया, 30 और 12 42, 42 से जो 35 जाएगा कितना आया, 7 आया, यानी 7 पॉजिटिव आया है। क्या है भैया, पॉजिटिव आया है, यानी तीनों का जो कार्य है एक साथ मिलकर करते हैं तो 7 तसला मिट्टी उसमें जो है भरने का कार्य करेंगे और इसी तरह से जो है पूरे गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, तीनों के कार्य को करना है और हमारा टोटल कार्य कितना था भाई, 420 तसला था, तो आप 420 में डिवाइड कर दीजिए 7 से, जो कि कितना हो गया भैया, 60 हो गया, यानी कि इस तरीके से 60 दिन में ये गड्ढा जो है पूरी तरह से भर जाएगा। ओके, देख लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर था आपका 29। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 बोल रहा भैया, ए बी सी एक साथ 550 रुपए में एक कार्य को करने का अनुबंध करते हैं, ए और बी को कार्य का 7/11 भाग करना है, बाकी शेष कार्य जो है सी को करना है, तो सी को मिलने वाली राशि कितनी होगी। ओके, तो देखिए भैया, ए बी सी तीन व्यक्ति हैं इस कार्य को करने के लिए, जिसमें से 7/11 भाग ए और बी ने किया है, तो इनके कार्य का अनुपात हम यहां निकालेंगे और कार्य के अनुपात के हिसाब से इनकी राशि को बांट दिया जाएगा। तो भैया ए और बी ने कितना कार्य किया है दोनों ने मिलकर के, इन्होंने किया है कार्य का 7/11 भाग। ओके, अब हमको सी का कार्य देखना है कि सी ने कितना कार्य किया है इसमें से टोटल में से। तो कोई भी कार्य एक होता है, पर एक में से आप अगर इसको माइनस कर देंगे तो शेष कार्य जो है सी ने किया है वो निकल के आएगा, तो सी बनने किया के भैया 1 - 7/11 कितना हो भैया 4/11। तो देखिए ए बी का अनुपात ये होगा, यानी इनके कार्य के अनुपात को हम यहां रख लेते हैं बराबर, यानी ए प्लस बी अनुपात सी बराबर 7/11 अनुपात 4/11। तो इस तरह से इनका अनुपात निकल के आया भैया, देखिए नीचे जो है दोनों के बराबर में 11 है इनके अनुपात में, तो ये अनुपात हम समान संख्या से भाग दें या समान संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, इसलिए इनकी कार्य करने का अनुपात हुआ 7/4। ओके, और इसी अनुपात में इनके धन का डिवाइडेशन कर देंगे। तो उसने पूछा है सी की धनराशि ज्ञात कीजिए, तो देखिए भैया सी की धनराशि क्या होगी, सी बराबर कुल धन कितना था 550। ओके, सी के कार्य का अनुपात 4 अपॉन के दोनों अनुपात के योग से भाग दे देंगे, ठीक है, जो कितना हुआ 11। तो 11 से ये जो है 11 × 5 = 55 होता है, और ये 0 50 बार कैंसिल आउट हुआ, और ये 50 × 4 करेंगे तो 200, यानी कि 200 रुपए जो है सी को मिलेंगे इस कार्य के बदले। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ए बी और सी एक दीवार को क्रमशः 45 दिन, 20 दिन और 25 दिन में बना सकते हैं, यदि उन्हें 12,120 रुपए कार्य पूरा करने के लिए दिए जाते हैं तो बी और सी के भाग ज्ञात कीजिए। तो यहां हमको ए बी सी का समय अनुपात दे रखा है भैया, समय अनुपात दे रखा है, समय अनुपात जो कितना है 45:20:25 है। ओके, 45:20:25 है, तो जो धन का बंटवारा होगा वो समय के अनुपात न होकर कार्य के अनुपात में होता है, तो हम यहां से इनका कार्यानुपात ज्ञात करेंगे, किसका, ए बी सी का, किसका भैया, ए अनुपात बी अनुपात सी के लिए, ये समय अनुपात हो गया, इनके कार्य का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो कार्य अनुपात भैया देखिए, कार्य अनुपात, कार्य अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है 1/45, 1/20 अनुपात 1/25। ओके, तो इस तरीके से इनका कार्य का अनुपात निकालेंगे, ये हमारी एक अनुपात की जो है फ्रैक्शन बन चुकी है, ऊपर अंश और नीचे हर है, तो देखिए इसको सही निकाल लीजिए, हर का जो है एलसीएम लेंगे तो हर का एलसीएम हमें ज्ञात होगा आपका, यानी कि 900। ओके, तो देखिए एलसीएम होगा हमारा 900 एलसीएम होगा, और
इसी प्रकार से भाग दीजिए 45 से, तो कितनी बार क्या होगा 20, और आप 20 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 45, और जबकि 25 से हम भाग देंगे, सॉरी हाँ 25 से भाग देंगे भैया तो ये 36। तो देखिए यहाँ सभी के अपॉन में जो है 900 है, तो 900 को हम सभी के अपॉन से हटा देंगे, क्योंकि अनुपात में समान संख्या से भाग दें या समान संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात में कोई भी फर्क नहीं होता है। तो देखिए इनके अनुपात कितना आ जाएगा, कार्य का जो अनुपात है वो आ जाएगा आपका 20:45:36, ये इनके कार्य का अनुपात है। क्या भैया ये कार्यानुपात है, और इस कार्य के अनुपात में ही जो टोटल धनराशि थी उसको बांट देंगे। तो उसने पूछा है बी और सी के भाग ज्ञात करने हैं, तो भैया बी की धनराशि जब हम निकालेंगे तो बी बराबर कुल धनराशि कितनी भी क्वेश्चन में दे रखी हमको 12,120 रुपए, तो 12,120 बी का निकालना है भैया। तो देखिए कितना हो जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे बी के अनुपात से और डिवाइड कर दीजिए इन तीनों के योग से, और इन तीनों का योग जो है वो होता है आपका 101। 101 101 से इसमें भाग देंगे, ये 120 बार कैंसिल, और आप करेंगे 120 × 45। इस तरीके से जो है बी का जो धन हो जाएगा 45 × 120, ये हो जाएगा आपका 5,400 रुपये। अब भैया सी के धन की बात करते हैं, सी को कितना धन मिला, तो सी बराबर 12,120 इंटू, देखिए सी का अनुपात कितना भैया 36 है, डिवाइड बाई 101, तो 101 से कितनी बार कैंसिल भैया 120 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 120 × 36 4,320 रुपये, और ये हमारा आंसर हो गया। ओके भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसे रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सुधीर 20 दिनों में एक कार्य को कर सकता है, तब वो बहुत 4 दिनों में कितना कार्य करेगा, यानी कि सुधीर जो है एक कार्य को 20 दिन में करता है भैया, तो 4 दिन में वो कार्य का कितना भाग करेगा, ये उसने पूछा है। तो देखिए एक दिन में कितना कार्य करेगा भैया, वो 1/20 भाग करेगा, एक दिन में 1/20 भाग। हमको अगर 4 दिन का कार्य देखना है तो आप जो है एक दिन के कार्य में 4 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4/20। 4 दिन का कार्य हो गया 4/20, और 4/20 को भी हम 4 से कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/5, कितना हो गया भैया 1/5, तो वो जो है 4 दिनों में 1/5 भाग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। यदि 7 श्रमिक 4 दिन में 2/3 नौकरी समाप्त कर सकते हैं, तो एक दिन में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो ये 7 श्रमिक हैं, 4 दिन में किसी कार्य का 2/3 भाग कर सकते हैं, तो यानी कि 7 श्रमिक कंटिन्यूस 4 दिन लगे रहे तो कार्य का 2/3 भाग हुआ है, कार्य का 2/3 भाग हुआ है। तो देखिए 7 श्रमिक अगर 4 दिन लगे हैं तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो एक श्रमिक के अकॉर्डिंग उसने 28 दिन कार्य किया, और 28 दिन में कितना कार्य हुआ भैया 2/3 कार्य हुआ है, 2/3 कार्य हुआ है। तो हमें यहां देखना है इस तरीके से पूरे कार्य को करने में कितना दिन का समय लगेगा, तो जो कुल समय लगेगा हमारा, जो कुल समय लगेगा इस प्रकार से,
तो वो कुल समय हो जाएगा हमारा 28 डिवाइड बाई 2/3। तो ये होगा भैया आपका, यानी कि ये तीन ऊपर पहुंच जाएगी संख्या जो है, और दो से ये 14 बार कैंसिल आउट हुआ, तो ये 14 × 3 यानी कि जो हमारा कुल कार्य है वो 42 दिन का काम है। एक श्रमिक के माध्यम से देखा जाए तो एक श्रमिक उस कार्य को जो है 42 दिन का पूरा करेगा। अब इसमें से भैया उन्होंने 28 दिन का कार्य कर दिया है, या 28 श्रमिकों का कार्य कर दिया है, तो आप यहां से शेष कार्य निकाल लीजिए। और शेष कार्य क्या होगा भैया, जो हमने कुल कार्य ज्ञात किया है 42, उसमें से आप माइनस कर दीजिए जो कार्य कंप्लीट हो गया है उसको। तो ये हो जाएगा आपका 42 माइनस 28 करने पर 14 कार्य शेष रह गया। अब ये 14 कार्य शेष रह गया, 14 श्रमिक आ जाए तो एक दिन में कर देंगे, और एक दिन में अगर करना है तो 14 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि शेष कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने अन्य श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 7 श्रमिक हमारे पास पहले से दे रखे हैं, तो 7 श्रमिक अगर इसको करेंगे तो 2 दिन का समय लेंगे, 7 श्रमिक 2 दिन में करेंगे, लेकिन हमें एक दिन में करना है, तो एक दिन में करने के लिए भैया हमारे पास 14 श्रमिक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 14 श्रमिक हमारे पास होने चाहिए। तो भैया अन्य श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 माइनस के यानी कि 14 कार्य हो गया हमारा, 7 हमारे पास श्रमिक अवेलेबल हैं, तो हमें कितने श्रमिक और चाहिए? तो 14 माइनस के 7 यानी कि 7 श्रमिक चाहिए उस कार्य को जो है एक दिन में पूरा करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, हर्ष 10 दिनों में कार्य का 1/4 भाग पूरा करता है, अनमोल 40 दिनों में 40% काम कर सकता है, और अच्छे 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग कर सकता है। सबसे पहले कार्य को कौन करेगा? उसने क्या पूछा है? सबसे पहले कार्य को कौन करेगा? तो देखिए हर्ष भैया 10 दिन में कितना कार्य कर रहा है? 1/4 कर रहा है, तो हमें देखना होगा हर्ष पूरे कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो भैया आप क्या करेंगे, 10 × 4/1 यानी कि 4/1 इस तरीके से हमें हर्ष का कुल कार्य करने में जो समय है निकल के आ जाएगा, जो हो जाएगा आपका 40 दिन हो जाएगा। वहीं आगे देखेंगे अनमोल, अनमोल अनमोल कह रहा है कि 40 दिनों में वो कार्य का 40% भाग पूरा करता है, और कोई भी काम अपने आप में भैया 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। वो 40 दिन में 40% कर रहा है, तो 100% करने में कितना समय लगेगा? तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं 40 / 40 यानी कि परसेंट, और इनटू कि हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप 100 से गुणा कर सकते हैं, यानी कि ये 40% है, 40% वैल्यू 40 दिन थी, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो भैया ये कितना आया? वो जो है 100 दिन में पूरे कार्य को करेगा अनमोल। आगे उसने बोला भैया कि अच्छा जो है 13 दिन में 1/3 कार्य करता है, अच्छे 13 दिन में 1/3 कार्य करता है, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो 13 × 3/1 यानी कि जो 1/3 था उसका उल्टा करके हमने मल्टीपल कर दिया उससे 3/1 से। तो इस तरीके से अच्छे ने जो समय लिया वो 39 दिन का समय लिया पूरे कार्य को करने में। और पूछा है कि सबसे तेज या सबसे पहले इस कार्य को कौन कर देगा? तो देखिए हर्ष 40 दिन, अनमोल 100 दिन में करेगा, और अच्छे कितने दिन में करेंगे भैया? 39 दिन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 12 पुरुष
10 दिनों में एक कार्य पूरा करते हैं, उसी कार्य को 25 महिलाएं 6 दिन में करती हैं, तो 8 पुरुष और 4 महिलाएं इस कार्य को करने में कितना समय लेंगी। तो ये उसने क्या बोला, देखिए 10-12 पुरुष हैं जो कि 10 दिन में करते हैं और महिलाएं कितनी भैया, 25 महिलाएं जो कि उसको 6 दिन में करती हैं। तो देखिए भैया 12 पुरुष यानी कि 12 मेल इस कार्य को कितने दिन में करते हैं भैया, 10 दिन में करते हैं। ओके, और उसी कार्य को जब 25 फीमेल होती हैं तो कितना समय लेती हैं, वो 6 दिन का समय लेती हैं। इसलिए ये कार्य बराबर हो गया इसके, क्योंकि कार्य चेंज नहीं हुआ, कार्य वही है, इसलिए ये बराबर होगा। तो हम यहां ये देखेंगे कि कितनी महिलाओं के बराबर कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाओं के बराबर कितने पुरुष हैं। तो 12 × 10 करने पर होगा हमें 120, यानी 120 मेल बराबर 25 × 6 करने पर कितना होगा भैया, 150 फीमेल। 120 मेल बराबर होंगे 150 फीमेल के। तो हमको देखना है कि मेल बराबर कितनी फीमेल होंगी, यानी एक व्यक्ति के बराबर कितनी महिलाएं कार्य करेंगी। तो देखिए 75 होकर जब इधर आएगा, 120 जो है 150 हम भाग देगा तो ये भाग जाएगा 1.25, यानी कि एक व्यक्ति के बराबर कार्य करने के लिए हमें 1.25 महिला चाहिए एक व्यक्ति के बराबर कार्य करने के लिए। अब उसने आगे बोला है कि इसी कार्य को जो है 8 पुरुष और 4 महिलाएं कितनी दिन में करेंगी। तो भैया हमें क्या करना है, उन 8 पुरुष और 4 महिलाओं का हमें कुल महिला ज्ञात कर ली, इनके बराबर कुल कितनी महिलाएं होंगी। तो देखिए पुरुष कितने हैं, 8 पुरुष भैया, यानी कि 8 मेल हैं। जब हम इनके बराबर महिला काउंट करेंगे तो 8 × 1.25 ये फीमेल हो जाएंगे, जो कितना होगा भैया 10 हो जाएगा, यानी कि 10 महिलाएं ये हो गई और 8 पुरुष के बराबर 10 महिला होगी, उन्होंने 4 महिलाएं जो है और दे रखी हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो महिला हो जाएगी इस कार्य को करने के लिए 10 महिलाएं 10 फीमेल प्लस के 4 फीमेल, हमारे पास भैया टोटल 14 फीमेल होंगी इस कार्य को करने के लिए। अब हमें ये देखना है कि ये कार्य जो 25 महिला थी वो 6 दिन में कर रही थी, क्वेश्चन में शुरुआत में दिया है 25 महिला जो है इसको 6 दिन में करती हैं। अब हमारे पास 14 महिलाएं हैं तो 14 महिलाएं इसको कितने दिन में करेंगी। तो देखिए भैया 25 महिला किसी कार्य को कितने दिन में करती हैं, 6 दिन में, 25 महिला 6 दिन में कर रही हैं, तो 14 कितने में करेंगे, आप 14 से जो है डिवाइड कर दीजिए, 14 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर आएगा भैया 10 सही 5/7 दिन, और यही हमारा आंसर है, यानी कि 10 सही 5/7 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये भी समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाएंगे। तो 2 पुरुष और 3 महिला एक कार्य को 10 दिन में करते हैं भैया, यानी कि 2m + 3 फीमेल इस कार्य को कितने दिन में करते हैं भैया, ये 10 दिन में करते हैं। आगे बोला है उसने 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। जब 3 पुरुष और 2 महिला होती भैया, कितना, जब 3 पुरुष मेल और 2 फीमेल होती हैं तो इस कार्य को करने में कितना समय लगता है, 8 दिन का समय लगता है। तो यहां से हम ये पता करेंगे कि एक व्यक्ति के बराबर कितनी महिला कार्य करेगी, एक व्यक्ति के बराबर कितनी महिलाएं कार्य करेंगी। तो करिए भैया इसको 10 से मल्टीपल के दिए तो ये हो जाएगा आपका 20m + 30f यानी 30 फीमेल बराबर 8 × 3 करेंगे 24 मेल प्लस के 8 × 2 16 फीमेल। ओके भैया, तो यहां से 75 कर लीजिए, ये 20m ये 24m है। ओके, तो इसका अंतर हो जाएगा भैया आपका 4m बराबर 30f में से 16f माइनस कर देंगे
14F, यानी कि चार व्यक्ति के बराबर कार्य करने के लिए 14 महिलाओं की आवश्यकता होगी। भैया चार व्यक्ति बराबर 14 महिलाएं होंगी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो व्यक्ति बराबर कितनी महिलाएं होंगी, तो दो व्यक्ति के बराबर महिलाएं कितनी होंगी भैया, 7 महिलाएं होंगी। ओके, अब भैया आप जो है यहां पे हमें यह तय करना है कि कार्य किससे करवाना है, तो कार्य कराएंगे महिलाओं से। तो देखिए महिला से कार्य कराने पर, महिला से कार्य कराने पर, महिलाओं से कार्य कराना है, तो ये महिलाओं से कार्य कराना है, तो आपको देखना होगा कि इस समीकरण का जो पहला समीकरण दिया था कि दो व्यक्ति और तीन महिलाएं दस्तर में करती हैं, आप इनको जो है दो इसकी सहायता से जो फीमेल बना दीजिए ना, कितनी फीमेल होंगी, तो कितनी फीमेल होंगी भैया ये देखिए जरा आप, तो दो व्यक्ति यानी किस तरह पर क्या कर सकते हैं भैया, यानी आप देखिए 2m प्लस के 3f बराबर कुल कितनी महिलाएं होंगी, तो भैया दो व्यक्ति के स्थान पर हम कितनी महिलाएं रख सकते हैं, 7, और ये तीन ऑलरेडी पहले से हैं, तो ये 7 और ये 3 कितना हुआ भैया प्लस के, यानी कि 7f प्लस के 3f कितना हुआ भैया, ये 10 फीमेल हो गई, और 10 फीमेल जो है 10 महिलाएं ये किसी कार्य को 10 दिन में कर रही थी, ठीक है, तो 10 महिलाएं जो 10 दिन में कर रही, तो भैया ये कार्य हो गया एक महिला के अकॉर्डिंग 10 × 10 100 दिन का कार्य हो गया। लेकिन अब उसको कार्य, उसने कार्य करने के लिए हमें कितनी महिलाएं दे रखी हैं ये हमें तय करना होगा, यानी उसने हमें कार्य करने के लिए दिए दो पुरुष और एक महिला, कितना दिया भैया, दो पुरुष और एक महिला दिया है, तो इस कार्य को करने के लिए दो पुरुष के स्थान पर भैया जो दो और मेल है उसके स्थान पर कितना हो गया, 7 फीमेल हो गई, 7 फीमेल हो गई और एक महिला है, तो कितना हो जाएगा टोटल, एक ये महिला उसने अलग से दी है हमें, तो कितना हो गया 8 महिला हो गई, कितनी हो गई भैया हमारे पास 8 महिला हो गई, यानी 10 महिला किसी कार्य को 10 दिन में कर रही थी, तो 8 महिला कितने दिन में करेंगे, तो आप कैसे करेंगे 10 × 10 डिवाइड बाई 8, यानी कि 10 × 10 100 हो गया, और 100 में जब 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 × 1/2 दिन, और यही हमारा आंसर है, यानी कि 12 × 1/2 दिन में दो पुरुष और एक महिला इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पुश करके दोबारा देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 भैया, ए तथा बी ये कार्य को 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि ए कार्य आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करते हैं, तो ये क्वेश्चन भैया आपका बारी बारी से कार्य करने वाला, इसका टाइप क्या है, बारी बारी से कार्य करते हैं, तो ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तो देखिए भैया ए करता है आपका 9 दिन में और बी करता है उसी कार्य को 12 दिन में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुल कार्य देखना है, और कुल कार्य क्या होगा भैया, इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा, तो ये होगा भैया कुल कार्य हमारा 36 फीट लगा कर। ओके, एक ही कार्य क्षमता भैया 4 पेड़ प्रतिदिन की है और बी की कार्य क्षमता 3 पेड़ प्रतिदिन की है, तो देखिए कार्य को ए द्वारा प्रारंभ करते हुए दोनों बारी बारी से करते हैं, ए द्वारा प्रारंभ किया गया भैया, तो देखिए अपना एक दिन आएगा ए शुरुआत में, यानी कि एक दिन ए आएगा और वह अपने हिस्से का भैया कितना कार्य कर देगा, 4 पेड़ लगा देगा। अगले दिन किसकी बारी आती है, बी की बारी आती है, तो बी भैया अपना एक दिन लेगा, बी कितना दिन लेगा, बी अपना एक दिन लेगा और अपने हिस्से का कितना कार्य करेगा, वो 3 पेड़ लगा देगा। तो हमने देखा इस तरीके से कि 2 दिन में 7 पेड़ लगे हैं, यानी एक दिन ए ने लिया, एक दिन बी ने, और इस प्रकार से 7 पेड़ लगे, तो हम कह सकते हैं 2 डेज बराबर 7 पेड़। ओके भैया 2 दिन में कितने पेड़ लगे, 7 पेड़ लगे, भैया 2 दिन में 7 पेड़ लगे और हमें कुल कार्य कितना करना है, 36 पेड़ लगाने हैं,
कुल कर हमारा कितना है 36 पे लगाने का है। तो देखिए 36 के पास पहुंचने के लिए हम इसमें कितने से मल्टीपल करें कि हम 36 पेड़ के पास पहुंच जाए। हमारा उद्देश्य क्या है, 36 पेड़ को लगाना है, 36 पेड़ को कंप्लीट लगाना है, उसमें समय चाहे कितना भी लगे। तो देखिए अगर हम यहां 7 में 5 से मल्टीपल कर दें तो लगभग हम 36 के पास पहुंच जाएंगे। अगर 6 से मल्टीपल करेंगे तो भी हमारा कार्य ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें ज्यादा ना करके कम ही रखना है। तो कितने से मल्टीपल करेंगे, 5 से मल्टीपल करेंगे, तो कितना होगा भैया ये 35 पेड़ हो गए। अब देखिए भैया बात दोनों तरफ बराबर की है, बात को दोनों तरफ बराबर की है। अगर आपने इधर 5 से मल्टीपल कर दिया तो आपको इधर भी 5 से मल्टीपल करना होगा। ओके, इस तरीके से ये हो गया आपके 10 दिन। और भैया 10 दिन में कितना कार्य होता है, 10 दिन में 35 पेड़ लगते हैं, 10 दिन में कितना कार्य होता है, 35 पेड़ लगते हैं। अब भैया हमारा कार्य 36 था, अभी एक पेड़ लगाने के लिए शेष रह जाता है, एक पेड़ अभी हमारा रह गया। अब उस एक पेड़ को लगाने की बारी किसकी आएगी, किस एक पेड़ को लगाने की बारी किसकी आएगी, ए की बारी आएगी। और जब ए की बारी आएगी, हम जानते हैं कि ए जो है एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, तो एक पेड़ को लगाने में कितना समय लेगा, तो ये समय लेगा भैया 1/4 दिन, 1/4 दिन। इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा कुल समय हुआ और ये हमारा कुल कार्य कंप्लीट हुआ। तो समय कितना हो गया भैया, इस समय को ऐड कर दीजिए, इधर ये हमारा कार्य कंप्लीट हो गया, 36 पेड़ लग चुके हैं और समय हमारा टोटल 10 सही 1/4 दिन, और यही हमारा आंसर होगा भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं, चलिए इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 बोलते हैं भैया एबीसी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। इधर आके देखो क्या चल रही है, चल रही है, चलने दो। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, एबीसी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में करते हैं। ये ए करता कितने दिन में, 20 दिन में, और बी करता भैया 30 दिनों में, और जबकि सी करता है इस कार्य को 60 दिनों में करता है। ओके, तो ए जो है उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी तथा सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाती है, बी तथा सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाती है। तो सबसे पहले भैया हम कुल कार्य देखेंगे, कुल कार्य कितना हो गया हमारा, 60 पेड़ लगाने का हो गया। ए की कार्य क्षमता 3 पेड़ प्रतिदिन की, और बी की कार्य क्षमता 2 पेड़ प्रतिदिन की, जबकि सी की कार्य क्षमता 1 पेड़ प्रतिदिन की। ए को हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिलती है, ए को हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिलती है। तो भैया अगर हम ये कहें कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया, तो 3 और 2 5 और 1 6 पेड़ लगाने का होगा। तीनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 6 पेड़ लगाने का हो गया एबीसी का। तो इस एक दिन में तीनों व्यक्ति शामिल हो गए, ए भी एक दिन आ गया। अगर हम इसमें ए के लिए 2 दिन का कार्य अलग से ऐड कर लेते हैं, यानी कि क्योंकि बी ए कंटिन्यूस आ रहा है ना, तो 2 दिन के लिए हम ए को बुला लेते हैं, तो 2 दिन में ए कितने पेड़ लगा देगा, एक दिन में कितने लगाता भैया, एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो 2 दिन में उसी प्रकार से कितने पेड़ लगाएगा, 6 पेड़ लगाएगा। और हमने देखा इस तरीके से कुल समय कितना हुआ, एक दिन एबीसी का और 2 दिन स्पेशल ए के लिए, तो यानी कि 3 दिन हो गए। इस तरीके से टोटल 3 दिन हुए, और 3 दिन में कुल कितना कार्य हुआ भैया, 12 पेड़ लगे। 3 दिन में कितने पेड़ लगे, 12 पेड़ लगे। और इसी तरह से टोटल 60 पेड़ को हमें लगाना है, तो देखिए हम 12 में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं कि 60 के पास पहुंच जाए, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया 5 से, और ये कितना होगा आपका, टोटल 60 पेड़ लगे। बराबर की बात है, आपने इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार से कुल दिनों की संख्या कितनी हुई, 15, और ये हमारा आंसर है। 15 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और प्लीज आपसे हार्दिक निवेदन है
कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। काफ़ी अच्छी क्लास जो हमने आपके लिए तैयार की है, आपसे सभी से हार्दिक निवेदन है। ओके।